क्वेश्चन नंबर एक है, ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? चार ऑप्शन हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और सर दोराबजी टाटा। इनमें से सही आंसर है श्रीमती इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? राष्ट्रमंडल खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? इसके लिए चार ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें से सही आंसर है डेविड डिक्सन पुरस्कार। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा परीक्षण संतुलन क्षमता का मापन नहीं करता है? निम्न में से कौन सा परीक्षण संतुलन क्षमता का मापन नहीं करता है? चार ऑप्शन हैं, इनमें से सही आंसर है वर्टिकल जंप। इसके अतिरिक्त स्टैटिक बैलेंस परीक्षण, बेस स्टिक टेस्ट, ये दोनों ही परीक्षण संतुलन क्षमता का मापन करते हैं, किंतु वर्टिकल जंप संतुलन क्षमता का मापन नहीं करता है। अगला प्रश्न है, क्रिकेट में पहला द्रोणाचार्य अवार्ड किसे मिला? क्रिकेट में पहला द्रोणाचार्य अवार्ड किसे मिला? चार ऑप्शन हैं, इनमें से सही आंसर है देश प्रेम आज़ाद। अगला प्रश्न है, जानकी पुरस्कार किस खेल में दिया जाता है? जानकी पुरस्कार किस खेल में दिया जाता है? चार ऑप्शन हैं, इनमें से सही आंसर है खो खो में। जानकी पुरस्कार खो खो खेल में दिया जाता है। अगला प्रश्न है, JCR परीक्षण में JCR से क्या तात्पर्य है? JCR परीक्षण में JCR से क्या तात्पर्य है? चार ऑप्शन हैं, इनमें से सही आंसर है जंपिंग, चेनिंग और रनिंग। JCR परीक्षण में JCR से तात्पर्य है J से जंपिंग, C से चेनिंग, R से रनिंग। अगला प्रश्न है, किस अवार्ड को खेलों का ऑस्कर अवार्ड कहते हैं? किस अवार्ड को खेलों का ऑस्कर अवार्ड कहते हैं? चार ऑप्शन हैं, इनमें से आंसर है J. सुलेवान अवार्ड।